हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आपके डिमांड पर बात करेंगे इस वीडियो में टॉपिक इंटरनेट एंड ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेज के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ई लाइब्रेरी, वेबसाइट्स, वेब 2.0 टेक्नोलॉजी एंड ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। तो काफ़ी इजी सा टॉपिक है ये। आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स इसमें याद रखने हैं, और अगर वो पॉइंट्स कैसे याद होंगे जब आप उसे एक दो बार लिख के देखेंगे। बाकी सारी चीज़ें बहुत ही इजी हैं, एक दो पेज तो आपके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के ही हो जाते हैं, फिर एक दो पेज डेफिनेशन कॉन्सेप्ट को बताने के लिए हो जाते हैं, फिर एक दो पेज में एलिमेंट्स, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। यानी कि आसानी से 16 मार्क्स का आंसर आप फ्रेम कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करेंगे इंटरनेट होता क्या है। द इंटरनेट इज अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स। थ्रू इंटरनेट पीपल कैन शेयर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट फ्रॉम एनीवेयर। यानी कि इंटरनेट क्या है, इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स है जिसके जरिए हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी भी जगह से, और कहीं पर भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। ऑनलाइन वर्ड का क्या मतलब है? ऑनलाइन इन अ जेनेरिक सेंस रेफर्स टू व्हेन एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज ऑन एंड कनेक्टेड टू अदर डिवाइसेस बाय मींस ऑफ इंटरनेट। यानी कि जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑन हो और इंटरनेट की मदद से वो किसी दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्टेड हो, तब हम कहते हैं कि ये क्या है, ऑनलाइन है। ऑनलाइन कैन ऑल्सो बी यूज एज एन एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब एक्टिविटी परफॉर्म व्हाइल द इंटरनेट इज ऑन, सच एज ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन लर्निंग एंड मेनी मोर। इंटरनेट बेस्ड लर्निंग इज अ वे टू लर्न यूजिंग वेब बेस्ड टेक्नोलॉजीज और टूल इन अ लर्निंग प्रोसेस। जब हम इंटरनेट बेस्ड लर्निंग की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि जब हम लर्निंग के फील्ड में वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी जितने भी हमारे ऑनलाइन सोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करना, ताकि लर्निंग को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव बनाया जा सके। वेब बेस्ड लर्निंग फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। फॉर्मल यानी कि जब टीचर्स द्वारा ऑर्गेनाइज करवाई जाए, जैसे गूगल मीट, स्काइप, और फिर टीचर हमें इंस्ट्रक्ट करें कि इस साइट पर जाके कंटेंट देखो, यहाँ से असाइनमेंट बनाओ, यहाँ से काम करो, तो वो क्या है, फॉर्मल वे है। इनफॉर्मल, जैसे मान लीजिए कोई असाइनमेंट दी और टीचर ने कहा कि इसे करके आइए, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग साइट्स पर जाएंगे, सर्च करेंगे मटीरियल, कुछ गूगल से देखेंगे, कुछ यूट्यूब से देखेंगे, किसी ऐप से देखेंगे, तो ये क्या है, इनफॉर्मल वे है। जब हम अपने उस पर लर्न कर रहे हैं, कोई अपनी चीज़ मतलब सीख रहे हैं अपने पेस पे बिना किसी के इंस्ट्रक्शन के। अब बात करेंगे एडवांटेजेस क्या है वेब बेस्ड लर्निंग के। अब ये एडवांटेजेस आप हर जगह लिख सकते हो जहाँ पर भी ऑनलाइन लर्निंग की बात आती है। फ्लेक्सिबिलिटी है, कभी भी कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, अपनी जगह छोड़ के कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, जॉब क्विट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, कंप्यूटर या मोबाइल होना चाहिए, हम कहीं पर भी बैठकर कोई भी चीज़ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग सेल्फ पेस्ड लर्निंग है, खुद सीख सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, अब अलग अलग नई नई चीज़ें देखेंगे तो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप होंगी। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, बच्चा अपनी नीड्स, रिक्वायरमेंट, इंटरेस्ट के हिसाब से रिसोर्स चुन सकता है। एक्सेसिबिलिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, बस इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तो जो बच्चा गांव में है वो भी बहुत क्वालिफाइड टीचर्स से सीख सकता है, जो शहर में वो भी सीख सकते हैं। डिसेबल पीपल के लिए बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि उनकी जो मोबिलिटी होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, ज़्यादा इधर उधर जाते नहीं है, तो घर पर बैठ कर ही ऑनलाइन लर्निंग के माध्यम से वो चीज़ें सीख सकते हैं, किसी भी समय पढ़ सकते हैं। वाइड कवरेज है, वर्ल्ड का एक ग्लोबल विलेज बन गया है, हम कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं। इंडिया में बैठ के हम फॉरेन के जो टीचर्स हैं उनसे भी सीख सकते हैं, वो लोग हमारे टीचर्स से सीख सकते हैं, एक टीचर का पसंद नहीं आ रहा हम दूसरे टीचर से सीख सकते हैं। स्पीडी ट्रांसमिशन, विद इन फ्यू सेकंड्स जो चीज़ें हैं वो ट्रांसमिट हो जाती हैं, हम सीख सकते हैं। कोई चीज़ हम भेजना चाहते हैं, किसी को कुछ शेयर करना चाहते हैं, वो आसानी से शेयर कर सकते हैं। इंट्रैक्शन, कम्युनिकेशन, किसी टॉपिक, किसी इशू के बारे में हम इजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं, टाइमली उसका हमें फीडबैक मिल सकता है। ब्रॉड परस्पेक्टिव है, हम चेक कर सकते हैं हमारे लिए क्या क्या अवेलेबल है, क्या देख सकते हैं, एक काम के क्या अलग अलग तरीके हो सकते हैं, यानी कि पर्सपेक्टिव हमारा जो होगा वो ब्रॉड होगा। नई टेक्निकल स्किल्स के बारे में जान सकते हैं। इट सूट्स वेराइटी ऑफ लर्निंग स्टाइल्स, अब जैसे कोई बच्चा क्या है, विजुअल लर्नर है, उसके लिए भी इक्वली यूजफुल है, कोई ऑडियो लर्नर है उसके लिए भी, कोई ऑडियो विजुअल है उसके लिए तो है ही बेहतर, कोई स्लो लर्नर है तो बार बार चीज़ों को रिपीट करके देख सकता है, कोई फास्ट लर्नर है तो फटाफट सीख जाएंगे और फिर अगले स्टेप पर जा सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं।
नेक्स्ट बात करेंगे डिसएडवांटेजेस के। टेक्नोलॉजी का इशू हो सकता है, आइसोलेशन। ऐसा माना जाता है कि जब बच्चा दूसरों के साथ बैठ के पढ़ता है तो उसे दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना भी आता है और एक कॉपरेशन की फीलिंग आती है, लेकिन जब खुद ही ऑनलाइन सोर्सेज के थ्रू पढ़ेगा तो एक आइसोलेशन वाली फीलिंग आएगी। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ज्यादा टाइम तक अगर हम ऑनलाइन सोर्सेज से पढ़ते हैं तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं। प्लेगरिज्म चीटिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर बच्चे को कोई असाइनमेंट मिली तो वो ऑनलाइन देखता है, इधर उधर से कॉपी करता है और फिर असाइनमेंट बना के दे देता है। कंफ्यूजन हो सकती है, अब एक ही कंटेंट के लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं तो कोई टीचर किसी तरीके से पढ़ाएगा, कोई टीचर किसी तरीके से पढ़ाएगा, तो कंफ्यूजन हो सकती है बच्चे को। फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं होता है और ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि जब भी टीचर बच्चे को जब पढ़ाते हैं तो उनके फेस से पता चलता है कि किसी बच्चे को कितना समझ में आ रहा है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन कंप्यूटर से पढ़ेंगे या ऑनलाइन सोर्सेज के थ्रू पढ़ेंगे तब ये चीज़ उतनी ज़्यादा पता नहीं चलती है। नेक्स्ट बात करेंगे ई लाइब्रेरी के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी के बारे में। अब ये क्या है? अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, यानी कि जब इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के जरिए हमें डॉक्यूमेंट्स बुक्स वगैरह मिलती हैं उसे क्या कहते हैं हम? ई लाइब्रेरी कहते हैं। अब ये फ्री भी हो सकती हैं, विद कॉस्ट भी हो सकती हैं। कुछ बुक्स की आपने देखा होगा कि उनको पढ़ने के लिए आपको कुछ अमाउंट पे करनी पड़ती है और कुछ फ्री में होती हैं। इट मेंटेन्स अ डाटाबेस एज द कलेक्शन ऑफ ई मटेरियल। इनमें क्या क्या हो सकता है? मैप्स हो सकते हैं, जो बुक्स कहीं पर ना मिलती हो जनरल मार्केट में वो हो सकती हैं, ग्राफिक्स हो सकते हैं, वीडियो, मेनुस्क्रिप्ट, जर्नल्स, बुक्स, फोटोग्राफ्स, पेंटिंग्स, यानी कि वो सारी चीजें मिल सकती हैं जो हमारी लर्निंग को एनहांस करती हैं। क्या कॉन्सेप्ट है इसका? डिजिटल है। अब क्योंकि नॉर्मल जो लाइब्रेरी होती है उसमें सिर्फ क्या होता है? टेक्स्ट होता है, लेकिन इसमें साउंड्स, ग्राफिक्स, मोशन वीडियोज, एनिमेटेड वीडियोज, ये सारी चीजें होती हैं जिससे लर्निंग बेहतर बनती है। नेटवर्क, ह्यूज वर्चुअल लाइब्रेरी बियॉन्ड नेशंस बाउंड्री, वाइड नेटवर्क होता है इनका। नेशनल बुक्स भी होती हैं, इंटरनेशनल बुक्स भी होती हैं, क्योंकि लिंक्ड होते हैं ये लोग एक दूसरे से। यानी कि अगर हम इंडिया में बैठे हैं तो यही नहीं कि हमें सिर्फ इंडियन राइटर्स की बुक ही देखने को मिलेगी ई लाइब्रेरी में, हमें बहुत सी बुक्स देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि सारी ई लाइब्रेरीज क्या होती हैं? लिंक्ड होती हैं एक दूसरे के साथ, इजीली एक्सेसिबल है, इंटरैक्टिव है। एक ही टॉपिक की हमें मल्टीपल बुक्स मिल सकती हैं, डिक्शनरी, थिसॉरस से हेल्प मिल सकती है। अगर जैसे कोई विजुअली चैलेंज्ड है तो वो टेक्स्ट को वॉइस डाटा के रूप में भी सुन सकता है। जैसे अगर हमें कोई वर्ड समझ में नहीं आता है तो उस वर्ड पर जब हम क्लिक करते हैं तो उससे हमें उसकी डेफिनेशन, ये क्या मतलब है, इसका क्या सिनोनिम है, ये सारी चीजें हमें पता चल सकती हैं। स्केल की बात करें तो कैन बी एज लार्ज एज नेशनल लाइब्रेरी एंड एज स्मॉल एज पर्सनल लाइब्रेरी। यानी कि नेशनल लाइब्रेरी के अब डिपेंड करता है कि कितना डाटा है, कितनी मेमोरी है सॉफ्टवेयर में, तो बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी हो सकती है, हम खुद की अपनी लाइब्रेरी भी बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी। अब ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि कैसा सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, क्या डाटा रिसोर्सेज हैं हमारे पास। नेक्स्ट आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ई लाइब्रेरी। डिजिटल ऑब्जेक्ट्स होती हैं इसमें, एनिमेशन, इमेज, ग्राफिक्स, वीडियो, ये सारी चीजें होती हैं। मेटा डाटा की किसने इन्वेंट किया, किसने मॉडिफाई किया, कौन एक्सेसिबल, किसके लिए एक्सेसिबल है। रिपोजिटरीज एंड हार्वेस्टिंग, यानी कि क्या यूआरएल डालेंगे, क्या एड्रेस डालेंगे जिससे आसानी से वो चीज़ मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे हम कोई स्लाइड वगैरह देख रहे हैं तो अगर मैं डायरेक्ट आपको उसका लिंक सेंड कर देती हूँ तो वो डायरेक्टली खुल जाएगी। तो ये भी एक कॉम्पोनेंट है ई लाइब्रेरी का, आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी, सर्च नहीं करनी पड़ेगी, वहीं से डायरेक्ट वो फाइल ही खुलेगी सीधा। राइट्स मैनेजमेंट, अब बुक्स के राइट्स होते हैं, पॉलिसीज होती हैं कि कौन लोग इसे ले सकते हैं या फिर इसका कंटेंट कॉपी किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। वाटरमार्क होते हैं, कुछ पेड होती हैं, कुछ फ्री होती हैं। नेक्स्ट आता है इंडेक्स, अब सर्च स्पीड बढ़ाने के लिए प्रॉपर इंडेक्सिंग होती है, डेट्स, ऑथर, लैंग्वेज, पब्लिशर, बुक का नाम। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने स्टैट लिखा तो जहां पर भी ये वर्ड यूज हुआ होगा वो सारी चीजें वो शो करने में, लिंकिंग होती है कि वो सारे जितने भी वो टॉपिक है उससे रिलेटेड वो सारे हमें शो करना शुरू कर देगा। फिर जो हमें अच्छा लगे, जो हमें रेलिवेंट लगे उसको हम चूज कर सकते हैं। फंक्शन क्या है ई लाइब्रेरी की? यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है, एंटर करते ही सारा कंटेंट आ जाता है। एनहेंस सर्च, एक्सेस एंड ड्राइवर, सिक्योर द इन्फॉर्मेशन। अब पेपर में क्या है, इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ई लाइब्रेरी में हम आसानी से सिक्योर कर सकते हैं। प्रिजर्व द यूनिक कलेक्शंस, नो टाइम और लैंग्वेज बार, अगर हम चाहें तो इंग्लिश में देख सकते हैं, हिंदी में भी देख सकते हैं, किसी और लैंग्वेज में भी देख सकते हैं, और किसी भी टाइम पर हम कोई भी चीज़ देख सकते हैं, कोई फिजिकल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और क्या डिसएडवांटेजेस हैं ई लाइब्रेरी के? कॉपीराइट इशू हो सकता है, कभी कभी कुछ लोग क्या है कि वाटरमार्क हटा के किसी भी ऑथर का कंटेंट ले सकते हैं, तो ये एक डिसएडवांटेज है। एफिशिएंसी, अब इतना ज्यादा मटेरियल होता है कि कौन सा मटेरियल अच्छा है, कौन से मटेरियल को चूज करें, ये मतलब सोचना भी डिफिकल्ट हो जाता है, उतना ज्यादा रिलायबल नहीं है।
क्योंकि इतना ज्यादा मटेरियल है कि बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको फॉलो करें। एक्सेस स्पीड, अगर बहुत ज्यादा कंटेंट होगा ई लाइब्रेरी में तो उसकी स्पीड जो होगी वो स्लो हो जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे कि ई लाइब्रेरीज इंडिया में कौन कौन सी हैं। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, जिसमें हमारे पास है ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड मटेरियल फ्रॉम प्राइमरी टू पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। ई पाठशाला, जिसमें सारी एनसीईआरटी बुक्स हैं प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी। सीडीएसी, जिसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यूनिवर्सल डिजिटल लाइब्रेरी, विच हैव ऑनलाइन एक्सेस टू मिलियंस ऑफ बुक्स, आर्टिस्टिक, लिटरेरी एंड साइंटिफिक वर्क। तो इस तरीके से तीन चार ई लाइब्रेरीज का नाम अगर हम याद रख लेते हैं तो आसानी से आंसर फ्रेम कर पाएंगे। बाकी सारी चीजें तो सिमिलर ही थी जो हमने स्टार्टिंग में करी। सो ई लाइब्रेरी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन लाइब्रेरी वेयर वन कैन हैव एक्सेस टू बुक्स, जर्नल्स, नॉवल्स, आर्टिकल्स और एनी अदर इंफॉर्मेशन व्हिच एनहांसेस आवर लर्निंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेबसाइट्स क्या होती हैं। इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड रिलेटेड कंटेंट दैट इज आइडेंटिफाइड बाय अ कॉमन डोमेन नेम। यानी कि वेब पेजेस का कलेक्शन जिसमें रिलेटेड कंटेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एचपीयू की वेबसाइट पर जाते हैं तो हमें एचपीयू से रिलेटेड सारा कंटेंट मिलेगा कि क्या एडमिशन का, एग्जाम फॉर्म फिल करने का, सारे जो कंटेंट होगा वो उसी से रिलेटेड होगा। इट इज कलेक्शन ऑफ एच टी एम एल डॉक्यूमेंट्स दैट कैन बी कॉल्ड वाया वन सिंगल यू आर एल। यानी कि एक सिंगल यू आर एल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के जरिए हम उस वेबसाइट की सारी जो चीजें हैं वो चेक कर सकते हैं। दे आर करेक्टराइज बाय देयर डोमेन। इनके डोमेन से हम समझ सकते हैं कि ये किसकी वेबसाइट है, कहाँ की है, किसके द्वारा बनाई गई है, क्या काम कर रही है। जैसे .gov होता है यानी कि गवर्नमेंट की है, edu एडुकेशनल फील्ड से रिलेटेड, org NGOs की, com .com यानी कमर्शियल फील्ड से रिलेटेड वेबसाइट है। फिर नेक्स्ट है कि पता कैसे चले कि ये वेबसाइट जो है वो लर्निंग रिसोर्स के लिए अच्छी है या नहीं है। हाउ टू इवेल्युएट वेबसाइट फॉर लर्निंग रिसोर्स। अब सबसे पहले तो ओपन करो उस साइट को, स्किम रीडिंग करो, यानी कि एक पूरा ऊपर ऊपर से रीड करो, एकदम अच्छे से रीड करने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से रीड करो। अगर अच्छी लगती है यस, तब तो ठीक है, फिर आगे बढ़ो। अगर नहीं तो दोबारा सर्च रिजल्ट्स पर जाओ और डिफरेंट वेबसाइट ट्राई करो। डज इट आंसर माई क्वेश्चन, कि क्या मेरे क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल रहा है, येस और नो। और अगर येस है तो फिर क्या क्रेडिबल ऑथर है, वेल क्वालिफाइड ऑथर के द्वारा लिखा गया कंटेंट है ये। फिर से अगर येस है तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, डज द पर्पज ऑफ द साइट मीट माई नीड्स। और फिर उसके बाद की जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, क्या इनफ है ये या फिर कोई और साइट भी देखनी पड़ेगी। इक्वल एक्सेस हो, लैपटॉप में भी खुलती है, फोन में भी खुलती है या नहीं, ये सारी चीजें हम चेक करेंगे। और अगर येस होता है तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे। अगर किसी भी स्टेप पर नो आता है हमारा आंसर, तो फिर हम दोबारा सर्च रिजल्ट्स में जाएंगे और डिफरेंट वेबसाइट चेक करेंगे। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि फीचर्स लिख देने हैं। फीचर्स क्या होते हैं एक अच्छी वेबसाइट के? रॉबस्ट सर्च फंक्शन यानी कि इजी टू फाइंड है, एक ही क्लिक में हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। विजुअल कंसिस्टेंसी यानी कि ऐसा नहीं कि हम पढ़ रहे हैं तो अचानक से जो लेटर्स हैं वो बड़े हो गए या कोई फॉन्ट साइज बहुत ही छोटा हो जाए, ऐसा नहीं होता है, विजुअल कंसिस्टेंसी बनी रहती है। बिल्ट फॉर मोबाइल यानी कि इजिली एक्सेसिबल हो, जैसे कुछ साइट्स आपने देखा होगा कि फोन में नहीं खुलती हैं तो उसे हम गुड वेबसाइट नहीं मान सकते हैं, तो इजिली एक्सेसिबल हो। प्रोड्यूस रिफाइन एंड क्यूरेट यानी कि टाइम टाइम पे उसे मॉडिफाई किया जा सके। जैसे फेसबुक वगैरह क्या है कि फेसबुक ट्विटर इनमें क्या है, टाइम टाइम पे नए नए फीचर्स आते रहते हैं, उसी तरीके से वेबसाइट्स को भी क्या है, प्रोड्यूस रिफाइन किया जा सके। कस्टमाइजेशन एंड पर्सनलाइजेशन यानी अपनी पर्सनल नीड्स के हिसाब से हम जो वेबसाइट है उसे चूज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो किसी दूसरे वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं और टेक्स्ट को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि जो लेटर्स हो वो हमें ज़्यादा बोल्ड में नजर आए, फॉन्ट साइज इंक्रीज करना चाहें तो वो भी हो सके। एडवांटेजेस क्या है? इन्फॉर्मेशन मिलती है, कम्युनिकेशन, सेल्फ पेस्ड लर्निंग, वही सारे पॉइंट्स हैं तो बार बार टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एक्सेसिबल हो। डिसएडवांटेजेस क्या है? कॉस्ट लगती है, एडिक्शन हो सकती है इनकी, इनअप्रोप्रिएट कंटेंट हो सकता है क्योंकि एज वाइज कंटेंट नहीं होता है। कोई भी एज का बच्चा जो है वो किसी भी वेबसाइट पर जाके चेक कर सकता है कुछ भी, तो एज अप्रोप्रिएट कंटेंट नहीं होता है। फेक इन्फॉर्मेशन हो सकती है, प्रिवेसी नहीं होती है। नेक्स्ट आता है वेब 2.0 टेक्नोलॉजी। तो इसका क्या मतलब है? वेब 2.0 टूल्स आर टूल्स ऑफ टेक्नोलॉजी दैट अलाउ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स टू क्रिएट, कोलैबोरेट, एडिट एंड शेयर कंटेंट ऑनलाइन दैट इज यूजर जनरेटेड। यानी कि ये टेक्नोलॉजी क्या अलाउ करती है टीचर और स्टूडेंट को, कि वो कंटेंट क्रिएट कर सके, कोलैबोरेट कर सके, मिल के कंटेंट बना सके, एडिट कर सके, शेयर कर सके,
यानी कि जो यूजर है उसी के द्वारा ही कंटेंट क्या किया जा सकता है, जनरेट किया जा सकता है। एक इंटरैक्टिव मल्टीपर्पज प्लेटफॉर्म मिले जहां पर यूजर ही चीजें क्रिएट कर सके और शेयर भी कर सके। फीचर्स क्या है वेब टेक्नोलॉजी के, यानी कि वेब 2.0 टेक्नोलॉजी के, क्या टूल्स हैं, यानी कि इन प्लेटफॉर्म्स को कैसे यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंटेशन के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, रिसर्च वर्क के लिए, कोलाबोरेशन के लिए, क्विज वगैरह डाल सकते हैं टीचर्स, राइटिंग के लिए, ड्राइंग के लिए, ऑडियो के लिए। अब इसमें क्या कर सकते हैं कि जो टीचर है वो बच्चे को कोई असाइनमेंट दे दे कि हाँ आप वीडियो बनाओ, प्रेजेंटेशन बनाओ, और ऑनलाइन ही उसको क्या कर दे, इवेल्युएट कर दे। तो ये भी किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है, वेब 2.0 टेक्नोलॉजी की वजह से। वेब 2.0 प्रोवाइड टूल्स फॉर टीचर्स टू क्रिएट वर्चुअल एक्सटेंशन ऑफ देयर क्लासरूम, यानी कि एकदम से क्लासरूम वाला माहौल ही टीचर बना सकते हैं। बिकॉज क्लासरूम में भी यही होता है ना कि कोई टीचर कुछ बोलता है, फिर बच्चे उसका जवाब देते हैं, फिर आगे इसी तरीके से फर्दर प्रोसेस बढ़ती जाती है। सो पहले क्या था, वेब 1.0 था, दैट वाज बेस्ड ऑन कंटेंट एंड इंटरेक्शन विद कंटेंट, यानी कि सिर्फ कंटेंट की बात थी, कंटेंट होगा और कंटेंट के साथ ही इंटरेक्शन करेंगे। फिर वेब 2.0 आया, इज बेस्ड ऑन इंटरेक्शन बिटवीन लर्नर्स, यानी कि जहां पर लर्नर्स भी इंटरेक्ट कर पाएंगे। पहले क्या होता था कि अगर गूगल से कोई चीज़ लिए तो उसे चेंज नहीं कर पाते थे, तो जो दिख रहा है वही कंटेंट हम देखेंगे और वही चीज़ सीखेंगे। लेकिन अब क्या हो गया, टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी एडवांस होती चली गई, तो अब हम खुद अपनी चीज़ें शेयर भी कर सकते हैं, ब्लॉग्स लिख सकते हैं, खुद की वीडियोस बना सकते हैं। तो क्या हो गया, इंट्रैक्शन होगी बिटवीन लर्नर्स, कोलाबोरेटिव वर्किंग, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। तो वेब 2.0 में क्या क्या प्लेटफॉर्म्स थे हमारे पास, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, विकिपीडिया, यूट्यूब, इन सारे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके टीचर एंड स्टूडेंट क्या थे, चीजें सीख सकते थे, लर्न, शेयर एंड दे कैन ग्रो। अब जो एरा है वो वेब 3.0 टेक्नोलॉजी का है, जिसमें और भी बहुत ज्यादा फीचर्स आ गए हैं, और भी बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर आ गए हैं, और मोर नंबर ऑफ पीपल एक ही टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं किसी भी चीज को। यानी कि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट के साथ साथ चेंजेस आते रहते हैं। क्या एग्जाम्पल्स हैं वेब 2.0 टेक्नोलॉजी के, एडमोडो। अब ये ट्विटर की तरह ही एक फ्री कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है, एक एडुकेशनल वेबसाइट की तरह है, जहां पर टीचर एंड स्टूडेंट्स क्या है अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं और फिर उन्हें रिफाइन कर सकते हैं। फिर है ग्लॉगस्टर, ये भी एक वेब 2.0 प्लेटफॉर्म है, विच अलाउ यूजर्स टू क्रिएट इंटरैक्टिव ऑनलाइन पोस्टर्स, उनमें ऑडियो डाल के, वीडियो डाल के, इमेजेस डाल के, टेक्स्ट डाल के वो अट्रैक्टिव पोस्टर्स, इंटरैक्टिव ऑनलाइन पोस्टर्स बना सकते हैं। DIIGO, जिसे डाइजेस्ट ऑफ इंटरनेट इंफॉर्मेशन ग्रुप्स एंड अदर स्टफ कहा जाता है, ये क्या है, एक तरीके का टूल है जिसे टीचर्स यूज करते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, आइडियाज इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। थिंगलिंक, ये भी एक तरीके का प्लेटफॉर्म है, विच इज हेल्पफुल इन शेयरिंग विजुअल इंफॉर्मेशन, मैप, ड्राइंग, फोटोग्राफ्स। तो देखिए इस टॉपिक में आपको याद करने के लिए मिल गया कि यही तीन चार वर्ड जो है वो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, लिख के देख लेने हैं, क्योंकि बाकी चीजें तो आराम से दिमाग में रह ही जाएंगी। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेब 2.0 टेक्नोलॉजी, यूजर पार्टिसिपेशन, यूजर पार्टिसिपेट कर सकता है, रिच एक्सपीरियंस है, टैग कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दूसरों को, उन वेबसाइट्स के लिंक्स जो हम पढ़ रहे हैं उनके लिंक सेंड कर सकते हैं, डायनामिक कंटेंट है, मास पार्टिसिपेशन पॉसिबल है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इंडिविजुअल ऐप, यानी कोई काम कर रहे हैं तो ऐप है स्पेसिफिकली उसके लिए, वेबसाइट गूगल पर जाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पहले फेसबुक के लिए क्या होता था कि हमें गूगल से जाके उसे एक्सेस करना पड़ता था, वहां से खोलनी पड़ती थी, लेकिन अब क्या है उसके प्रॉपर ऐप्स आ गए हैं। इसी तरीके से ट्विटर वगैरह, इनके भी प्रॉपर ऐप्स आ गए हैं। क्या बेनिफिट्स हैं 2.0 टेक्नोलॉजी के, एक्सपेंसेस को रिड्यूस किया है, नहीं तो नॉर्मली क्या है कुछ चीज़ें शेयर करनी पड़ती थी, तो पहले तो पेपर पे वो सारी चीज़ लिखी जाएगी, फिर फर्दर आगे जाएगी, तो बहुत एक लंबा प्रोसेस था, तो जितना लंबा प्रोसेस होगा उतना ज़्यादा खर्चा भी होगा। इसने एक्सपेंस थोड़ा कम कर दिया है, टीचिंग प्रोसेस में चेंज आया है, एक नयापन आया है, लर्निंग को फॉस्टर किया है, स्मार्ट सर्चेज हो गई हैं, ईजी टू शेयर, एक्सेस, एडिट एंड क्रिएट कंटेंट। क्या इशूज, क्या लिमिटेशन आए, सेंसरशिप एंड प्रिवेसी इशू। अब एज अप्रोप्रिएट कंटेंट हो, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई इसमें, और प्रिवेसी इशू था, जैसे आप अपनी कोई वीडियो, कोई फोटो अपलोड करते हैं तो कोई और बंदा उसका गलत यूज भी कर सकता है। क्रेडिबिलिटी का क्वेश्चन है, एक्यूरेसी का, कि क्या जिस बंदे ने ये चीज शेयर करी है वो एक्यूरेट है या नहीं है। मनी एंड कंप्यूटर स्किल्स की जरूरत है, इक्वल एक्सेस नहीं है, अब जहां पर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है या फिर अगर किसी के पास फोन नहीं है तो वहां पर थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओपन एडुकेशनल रिसोर्सेज, यानी कि OER।
सो अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, OER आर रिसर्च मटेरियल इन एनी मीडियम डिजिटल और अदरवाइज दैट रिजाइड इन द पब्लिक डोमेन दैट परमिट्स नो कॉस्ट एक्सेस यूज एडेप्टेशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि रिसर्च मटेरियल जो डिजिटल हो या ना हो, जो कि पब्लिक डोमेन में हो, यानी कि हर कोई इजीली उसे एक्सेस कर पाए, उसको मॉडिफाई कर पाए, आगे शेयर कर पाए, उसे हम कहते हैं ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। अब इसमें जो चीज आपको याद रखनी है वो है 5 आर्स इन ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। तो रिटेन, इसे हमेशा के लिए रखा जाता है, कैन कीप फॉर एवर रखा जा सकता है, यानी कि रिवाइज, हम अगर जैसे कोई चीज वीडियो हमने डाउनलोड करी या वीडियो हम देख रहे हैं, तो वो चीज अगर हमें समझ में नहीं आ रही तो हम रिवाइज कर सकते हैं, उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे कोई अगर PDF मुझे अच्छी लगती है तो मैं आपके साथ उसका लिंक शेयर कर सकती हूँ, रीमिक्स कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं नए वर्क को, नए रिसोर्सेज को। नेक्स्ट बात करेंगे कि क्या मटेरियल्स होता है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज का। टेक्स्ट बुक हो सकते हैं, लेक्चर्स, गेम्स, होमवर्क, असाइनमेंट, क्विजेज, वीडियोस, जर्नल्स, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, लर्निंग मॉड्यूल्स, लैब एक्टिविटीज, ओपन कोर्सवेयर, जैसे फ्री ऑनलाइन कोर्सेज भी होते हैं जहाँ पे प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलता है। यानी कि बहुत सा मटेरियल जो हमारे एजुकेशन प्रोसेस को बहुत ज्यादा बेहतर बना सकता है, वो हमें फ्री में मिल रहा है और इजीली एक्सेसिबल भी है। क्या नेचर है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज का, गाइड की तरह काम करते हैं। कोई भी स्किल सीखनी हो तो ऑनलाइन हम सीख सकते हैं, किसी भी टीचर से सीख सकते हैं, डिजिटल रिसोर्सेज, ऑडियो, वीडियोज, ये सारी चीजें हमें मिलती है। इनोवेटिव वे है, फ्री है, अडेप्टिंग एंड शेयरिंग, हम फर्दर चेंजेस कर सकते हैं, दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। अब बारी आ गई कि इसमें हमें क्या चीज याद रखनी है। तो वेरियस ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज क्या है, स्वयं, अब ये क्या है, प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म क्या है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, यानी कि हर किसी को नॉलेज मिल सके, यही इसका ऑब्जेक्टिव था, एक्सेस हो, इक्विटी हो एंड क्वालिटी कंटेंट हर किसी को मिल सके। नैपटल, यानी कि नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, EDX, जो कि एक अमेरिकन मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है, जिसमें ऑनलाइन यूनिवर्सिटी लेवल कोर्सेज करवाए जाते हैं और वर्ल्ड वाइड कोई भी जो है एडमिशन ले सकता है। यानी कि ये सारे क्या हैं, ऑनलाइन स्टडी के जरिए हैं। इसमें हम यूट्यूब चैनल्स के बारे में भी लिख सकते हैं, बायजूस, एडुटैब, खान अकेडमी, यानी कि जितने भी और चैनल्स हैं उनके बारे में, जहाँ से हमें क्वालिटी कंटेंट मिलता है उनके बारे में हम लिख सकते हैं। इसमें ये सारे ही हमारे ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज में आएंगे। नेक्स्ट है कि क्या बेनिफिट है इसके, जैसे मैंने बताया एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस तो मस्ट ही हैं। क्वालिटी कंटेंट मिलता है, कॉस्ट सेविंग है, फ्लेक्सिबिलिटी है, स्किल डेवलपमेंट होती है इंडिविजुअल की, लर्नर सेंटर्ड है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग हो सकती है। फिर बात आती है डिसएडवांटेजेस क्या है, क्या कमियां हैं। अब हमें क्वालिटी की अश्योरिटी नहीं होती है, लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, कि हो सकता है कि जो आप वीडियो देख रहे हो वो इंग्लिश में हो और आपको लोकल लैंग्वेज ही ज्यादा अच्छे से समझ में आती हो, टेक्नोलॉजी इशू हो सकता है, कॉपीराइट कंसर्न्स होते हैं, ओपन एंड लर्निंग होती है, अगर आपका कुछ डाउट है तो जरूरी नहीं है कि आप सामने वाले से पूछ ही पाओ, क्योंकि ह्यूमन इंट्रैक्शन की कमी होती है, लैक ऑफ ह्यूमन इंट्रैक्शन। इसीलिए कहा जाता है भले कितनी भी एडवांसमेंट क्यों ना आ जाए, मशीन्स कभी भी टीचर की जगह नहीं ले सकती, क्योंकि टीचर जो है वो आपसे सामने से इंटरेक्ट कर रहा है, तो उसे पता चलेगा कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, वही बात मशीन को पता नहीं चल सकती। नेक्स्ट इज क्राइटेरिया टू चूज गुड ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, यानी कि कैसे चूज करें कि ये रिसोर्स अच्छा है, इससे हम पढ़ सकते हैं। अथॉरिटी की कौन करवा रहा है, गवर्नमेंट का है या किसी बड़े प्लेटफॉर्म का है, कितनी एक्यूरेसी है इनमें, ऑब्जेक्टिविटी है या नहीं, कि कोई बायसनेस ना हो कि आपको एक ही तरीके से करना। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में कुछ टीचर क्या कह देते हैं कि ये मेथड जो मैंने करवा दिया इसी तरीके से करो तभी सही होगा, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कवरेज चेक करना कि क्या क्या करवा रहे हैं वो इजिली एक्सेसिबल है या नहीं, उनके पास लाइसेंस है या नहीं। परसिस्टेंस, यानी कि ऐसा ना हो कि फीस ले ले, शुरू करवा दें टॉपिक और फिर खत्म ही ना करवाएं, या फिर क्लासेस लेना ही बंद कर दें, ऐसा कुछ ना हो। तो जब भी हम कोई ओपन एजुकेशनल रिसोर्स चुनते हैं तो हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए फटाफट से एक बार समराइज कर लेते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले तो आपको इंटरनेट और ऑनलाइन का क्या मतलब होता है उसके बारे में लिखना है, फिर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, अगर कोई एक ही पॉइंट दिया है तो ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप लास्ट में ले लीजिए। फिर ई लाइब्रेरी के बारे में लिखना है कि क्या मटेरियल अवेलेबल होता है, क्या कॉन्सेप्ट है। फिर मेन बात आ जाएगी कि कंपोनेंट्स क्या हैं, कि डिजिटल ऑब्जेक्ट्स, मेटा डाटा, रिपोजिटरीज, राइट्स मैनेजमेंट, इंडेक्स, लिंकिंग। फिर लिखना है फंक्शन क्या है ई लाइब्रेरी का। एंड देन जो मेन बात दिमाग में रखनी है वो इंडिया में कौन कौन सी ई लाइब्रेरीज लाइब्रेरीज हैं, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ई पाठशाला,
CDAC, यूनिवर्सल डिजिटल लाइब्रेरी, फिर वेबसाइट्स के बारे में लिखना है, उसकी डेफिनेशन लिख देनी है, फिर कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं कि ये वेबसाइट अच्छी है या नहीं है, फिर एक अच्छी वेबसाइट के क्या फीचर्स होंगे वो लिख देंगे, फिर एडवांटेजेस एंड देन डिसएडवांटेजेस, फिर उसके बाद वेब 2.0 टेक्नोलॉजी के बारे में लिखना है, पहले तो उसको डिफाइन कर देंगे, फिर उसके फीचर्स लिख देंगे, फिर उसके बाद लिख देंगे कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स आते हैं इनमें, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, विकी, यूट्यूब, फिर उसके बाद जो मस्ट है वो है कुछ एग्जाम्पल्स लिखना कि कौन कौन से वेब 2.0 प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास, एडमोडो, ग्लॉगस्टर, डीगो, थिंकलिंक, फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देने हैं वेब 2.0 के जो सिमिलर ही चलेंगे ऑलमोस्ट, फिर बेनिफिट्स, देन क्या इश्यूज हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, फिर उसके बाद हमने बात करी ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज के बारे में, सबसे पहले तो डिफाइन कर देंगे कि क्या होते हैं ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, फिर जो 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 चीज़ याद रखनी है वो है 5 R's कौन से हैं ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज के, कि रिटेन, रिवाइज, रीयूज, रीडिस्ट्रीब्यूट एंड रीमिक्स, फिर क्या क्या मटेरियल्स अवेलेबल होता है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज में वो सारी चीज़ें लिख देनी है, क्या नेचर होता है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज का, कि गाइड होते हैं, डिजिटल रिसोर्स, इनोवेटिव, फ्री, अडेप्टिंग एंड शेयरिंग, ये सारी चीज़ें लिख देनी है, फिर उसके बाद जो चीज़ दिमाग में रखनी है, जो चीज़ याद रखनी है वो है वेरियस ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, जिसमें स्वयं के बारे में लिख सकते हैं, नापटल के बारे में, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में, यूट्यूब चैनल्स के बारे में, फिर इनके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और फिर कैसे एक अच्छा ओपन एजुकेशनल रिसोर्स हम चुन सकते हैं इसके बारे में लिखना है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो, फिर भी कहीं के पे भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़।